भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे, 95 साल ही जी पाएंगे, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। 100 वर्ष वही जिएगा जो अपना खान पान और आचार विचार अच्छे रखता है, वह दीर्घायु हुआ करता है, और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता। ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए। क्या क्या खाते हैं आप? इस मुंह को नगर निगम का कचड़े घर का डिब्बा मत बनाओ कि जो आया वो मुंह में डाल लिया, जो आया वो मुंह में डाल लिया। अरे मेरे भाई, इस अहिंसक देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है, बड़ी तेजी से मांसाहार हमारी छाती पर बैठ रहा है, शौक बन गया मांसाहार, आधुनिकता समझी जाने लगी, और महाजन कौम के बच्चे भी अब मांसाहार की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। इससे बड़ा संस्कृति का ह्रास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मांसाहार आदमी का आहार नहीं हो सकता है, मांसाहार एक अभिशाप है, मांसाहार एक जीवन के लिए एक बहुत बुरा हिंसक कलंक है। जो आदमी अपने जीवन में चंद खुशियों के लिए मांसाहार किया करते हैं, मान्यवर, किसी का जीवन उजाड़ के अपना जीवन जीना और किसी का पेट फाड़ के अपना पेट भरना, ये कहां की मानवता हुआ करती है, ये कहां की इंसानियत हुआ करती है। हम तो उस देश के लोग जहां जियो और जीने दो के नारे दिए जाते हैं वहां पर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। अहिंसा की जय घोष ही नहीं करना है, हम सब अहिंसक समाज को मिलकर हिंसा का जोरदार विरोध भी करना पड़ेगा। हिंसा के खिलाफ एक जंग लड़ना होगी, हिंसा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो ये कहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए दान देकर जो मंदिर बनाते हैं, मैं कहता हूं अपनी 150 साल की जिंदगी में यदि एक मांसाहारी को तुमने शाकाहारी बना दिया, हजार हजार मंदिर बनाने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कितने जीवों को जीवन दान मिलेगा। कल एक बंधु मेरे पास आए, क्या नाम था, अभी यहीं पर बैठे हुए हैं वो सज्जन बैठे हैं, क्या नाम, सुरेश पहलवान, क्या नाम, पहलवान। और वो पहलवान सब कुछ खाता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, टीवी से प्रवचन सुन सुन करके उस पहलवान ने कहा कि आपकी वाणी को सुनने में रोज आता हूं और अपनी जिंदगी से मैंने हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया है। ध्यान रखिए, मैंने कहा पहलवान, अब तुमने हकीकत में पहलवानी का काम किया है। मांसाहार, लोगों ने कहा होगा पहलवान हो ताकत कहां से मिलेगी। लोगों के मन में यह भ्रम भरा है कि मांसाहार से ताकत मिलती है, लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि मांस खाने से शक्ति मिलेगी। कहां से शक्ति मिलेगी, मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। यदि मांस में ताकत होती, प्रकृति ने कुछ प्राणी मांसाहारी बनाए हैं, कुछ शाकाहारी बनाए हैं, लेकिन मनुष्य को संपूर्ण रूप से शाकाहारी बनाया है। ये मनुष्य में भेद नहीं किया, ये जानवरों में भेद किया है। मांसाहारी और शाकाहारी जानवर होते हैं, मनुष्य तो केवल शाकाहारी हुआ करता है। मांसाहार उसकी प्रकृति नहीं होती है। एक आदमी से मैंने पूछा, मांस क्यों खाते हो? अरे बोले ताकत मिलती है। इनका मांस से ताकत मिलती है? अरे ताकत के लिए मांस तो भगवान ने तेरे शरीर में दे ही रखा है,
अब किसी और का शरीर का मांस अपने शरीर के भीतर क्यों लाता है? ये विकृति है। तुम्हें जितने मांस की जरूरत है उतना भगवान ने तुम्हारे शरीर में भर रखा है। तुम्हें जितने ताकत की जरूरत है उतनी ताकत ईश्वर ने तुम्हारे अंदर पैदा करके रखी है। ईश्वर के उस खेल के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। ताकत शाकाहार में है ना कि मांसाहार में। शेर शाकाहारी होता है या मांसाहारी? बोलिए। शेर की पूछ रहा हूं, तुम सभा शेरों की नहीं पूछ रहा हूं। शाकाहारी होता है या मांसाहारी? मांसाहारी। बैल शाकाहारी होता है या मांसाहारी? शाकाहारी। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बैल अपने जीवन में लाखों खेत जोत देता है और एक शेर अपने जीवन में कितने खेत की जुताई करता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक किसी भी शेर ने एक खेत नहीं जोता होगा। और बैल जो मांस नहीं खाता शाकाहार करता है, पूरे दिन हल लेकर के पूरे खेत को जोतने की ताकत रखा करता है। बोलिए, बैल में ताकत है या शेर में? बैल की पीठ पर बोझ रखो, बैल गाड़ी खींच करके ले जा सकता है। कभी किसी शेर गाड़ी देखी आपने अपनी जिंदगी में कि दो शेर जुते हुए हों और आदमी माल लेकर के चल रहा हो? हरे शेर के ऊपर 1000 किलो ही कुछ वजन, क्या 100 किलो भी रख दो तो बैठ जाएगा, और 1000 किलो वजन हमारा बैल खींचते हुए ले जाता है, क्योंकि वो शाकाहार करता है। और शेर जितने भी मांसाहारी पशु हैं किसी काम के नहीं हैं। हैं? कुत्ता मांसाहारी है, बोझा ढोएगा, खेत जोतेगा, सामान ढोएगा? बिल्ली मांसाहारी है, ले जाना किसी दिन बाजार में, सब्जी की डोलची रख देना उसकी पीठ पर, चारों पैर फैल जाएंगे, जीभ बाहर आ जाएगी, ध्यान रखिए, सोचना है। और घोड़ा शाकाहारी है या मांसाहारी है? बोलिए, शाकाहारी है वह घोड़ा। कहा जाता है जब ताकत की जरूरत होती है तो कोई भी नहीं कहता शेर जैसी ताकत, हर व्यक्ति कहता है हॉर्स पावर होना चाहिए, घोड़े जैसी ताकत होना चाहिए। शाकाहारियों की ताकत क्यों मांगी जाती है? मांसाहारी पशुओं से ताकत की बातें क्यों नहीं की जाती हैं? एक शेर की ताकत देखो और एक शाकाहारी हाथी की ताकत देखना, हाथी शाकाहारी होता है। लोग कहते हैं कि मांसाहार से तंदुरुस्ती मिलती है, हाथी से बड़ा पहलवान कौन सा शेर बनकर पैदा हो गया मेरे भाई? अरे शेर जैसे लोग भी, शेर जैसे जानवर भी जब हाथी पर अटैक करते हैं तो सामने से नहीं करते, पीछे से किया करते हैं। इसका मतलब मांसाहार कायरता सौंपा करता है और शाकाहार वीरता सौंपा करता है। हाथी सामने जाए तो शेर घबरा जाया करता है, ध्यान रखिए। ये ताकत है शाकाहार की। मुझे समझ नहीं आता कि मांसाहारी लोग शाकाहारी पशु का ही मांस खाते हैं, मांसाहारी का कोई नहीं खाता है। विचार करना, हर मांसाहारी शाकाहारी पशु को मारकर खाएगा, बकरी खाएगा, भेड़ खाएगा, गाय का मांस खाते हैं लोग, भैंस का मांस खाते हैं लोग। अब आप बताइए, जिन जिन का मांसाहारी मांस खाते हैं वो सारे पशु शाकाहारी हुआ करते हैं, क्योंकि शाकाहार में ही ताकत है, शाकाहार में ही जीवन है। आज तक किसी ने शेर का मांस नहीं खाया होगा। है कोई मांसाहारी दुनिया में जो शेर का मांस भक्षण करता हो? हर कोई शाकाहारी पशुओं का मांस भक्षण करते हैं, मान्य है।